दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों जैसे कि अपने सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश में टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे, हालांकि ये टीचिंग मेथड जो है रीट के लिए भी उपयोगी है और सेकंड ग्रेड के लिए भी उपयोगी है, दोनों ही परीक्षाओं में ये टॉपिक आता है। तो चाहे आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो कैपिटल लिखना चाहिए भाई इसको, स्मॉल नहीं, रीट रीट की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे आप सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों टीचिंग मेथड जो है वहां आता है। तो यहां पर आज इस क्लास में अपन जो है टीचिंग मेथड पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं ये। और ये जो मेथड आपने पढ़ा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अपने पास हैं। तो दोस्तों आज अपने स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और ये मान लो कि ये आपका टेस्ट है, आपने तीन क्लासें पढ़ी हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के लिए, और आज उन्हीं क्लासों के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली या ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली या देयर इज नो फिक्स वे ऑफ टीचिंग ग्रामर या फिर द वे टू टीच ग्रामर आर बोरोड फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। दोस्तों ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली मेथड से पढ़ाई जाती है, इंडक्टिवली से पढ़ाई जाती है, या फिर कोई फिक्स जो है वो वे या फिक्स वे नहीं है ग्रामर पढ़ाने का, या फिर ये कहा जाए कि द वे टू टीच ग्रामर आर टू बोरोड फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, कि जो टारगेट लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, मतलब हिंदी हम भाषा जानते हैं हमारी नेटिव लैंग्वेज है, और हम जो टारगेट भाषा हमारी इंग्लिश है उसको सीखना चाह रहे हैं, तो क्या ये मेथड जो है ग्रामर जो है वहां से ली गई है, वहां से बोरो की गई है लैंग्वेज से। तो यहां पर इन्हीं चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है और मुझे बताना है कि सही आंसर क्या है। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही आंसर देता है, आप कमेंट कीजिए, 30 सेकंड का आपके पास समय है। देखें कौन सा बच्चा जो है वो करेक्ट आंसर देता है। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए कि इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, फिर आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों यहाँ, और सही का आंसर आपको देना है। फटाफट से सोचिए कि क्या आंसर होगा इसका, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, आप इसका आंसर दीजिए। दोस्तों यहां पर जो पहला ऑप्शन है ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, इस डिडक्टिवली को हम बोलते हैं निगमनात्मक, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है निगमनात्मक। अगर आप हिंदी के भी स्टूडेंट हैं तो निगमनात्मक, और इंडक्टिवली को आगमनात्मक कहा जाता है, आगमनात्मक। यहां मैं आपको इन दोनों के अर्थ बता रहा हूं, अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। फटाफट से आंसर दीजिए आप, सोच समझकर आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से। दोस्तों इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली या ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली या फिर कोई फिक्स वे नहीं है, तो इसको जो डिडक्टिव मेथड होता है ना इसको निगमनात्मक विधि भी कहा जाता है और इंडक्टिव को आगमनात्मक मेथड भी कहा जाता है,
इंडक्टिव क्या होता है, आगमनात्मक। तो यहां पर जो है ना इंडक्टिव मेथड है, इसका अर्थ क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, ठीक है। तो आगमन निगमन आपने पढ़ा होगा, उसके आधार पर आपको आंसर देना है, जल्दी से सोचिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, आप मैच कीजिए कि आपके आंसर सही है या नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर है, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर जो पढ़ाई जाती है वो डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है, यानी कि पहले जो है उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम बताया जाता है। जिस मेथड में पहले उदाहरण फिर नियम बताया जाता है वो डिडक्टिव मेथड होता है, और जिसमें पहले नियम फिर उदाहरण बताए जाते हैं वो जो है इंडक्टिव मेथड कहलाता है। तो यहां पर हमारा सही आंसर जो है दोस्तों वो क्या है, डिडक्टिव मेथड। अगला क्वेश्चन है, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस इज, क्या है इस मेथड में मेन चीज क्या है, सेंटेंस, क्लोज फ्रेज या वर्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, यहां पर इस प्रश्न की बात हम लोग कर चुके हैं, अगर आपने पीछे क्लास ली है। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग, यहां पर इस यहां से देखिए बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है इस मेथड के अकॉर्डिंग, क्या सेंटेंस है या क्लोज जिसको उपवाक्य कहते हैं, फ्रेज जिसको वाक्यांश कहा जाता है, या फिर वर्ड। फटाफट से सोचिए और आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा दोस्तों। निगमनात्मक आगमनात्मक में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, डिडक्टिव को निगमनात्मक कहा जाता है, इंडक्टिव को आगमनात्मक। विस्तार से इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, सीएलटी वगैरह जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी आता है ये। बस आप इतना समझिए कि जो इंडक्टिव होता है ना उसमें पहले उदाहरण होते हैं, उदाहरणों से फिर जो है नियम बताए जाते हैं, और जबकि डिडक्टिव में पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण बताए जाते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस इज, दोस्तों यहां पर आंसर है हमारा वर्ड। इस मेथड में जो है ना बेसिक यूनिट टीचिंग की जो है वो वर्ड है। तीसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर वीकनेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज दैट, कि एक मुख्य रूप से जो कमजोरी है इस मेथड की वो क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, कि जैसे आपको पता है LSRW ये लैंग्वेज के चार एस्पेक्ट होते हैं, इनमें से ये केवल दो एस्पेक्ट पर ही जोर देती है, ये मेथड केवल दो ही एस्पेक्ट पर जोर देता है। तो पहला ऑप्शन इसी संबंध में है कि इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, किया ये रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पर जोर नहीं देता है। अब ये क्या सही है या नहीं है वो आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द ओरल ओरल स्किल्स, दोस्तों ओरल ओरल स्किल्स का अर्थ होता है बोलने सुनने से संबंधित, और इट प्रोवाइड्स बोलने सुनने का मतलब लिसनिंग स्पीकिंग हो गया है ना, लिसनिंग और स्पीकिंग हो गया। फिर है इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस ड्रिल इन द ग्राफिक स्किल्स, ग्राफिक स्किल्स की बात करता है क्या ये मेथड, या इट प्रोवाइड्स नो चांस टू लर्न ग्रामर, और ये ग्रामर सीखने के लिए कोई चांस नहीं देता है। तो क्या होता है इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ये आपको बताना है फटाफट से सोचिए और आंसर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देना है। आपको मैंने जैसा कि बताया था दोस्तों ये सिर्फ दो ही एस्पेक्ट पर जोर देता है, एक तो रीडिंग पर और एक राइटिंग पर है ना, ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर नहीं देता है। और ये जो ओरल ओरल जो स्किल है ना ये लिसनिंग और स्पीकिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन ये मेथड जो है ना ये कह रहा वन ऑफ द मेजर वीकनेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज,
क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस। ये ओरल स्किल्स की बात नहीं करता है, अर्थात ना तो ये लिसनिंग की बात करता है और ना ये स्पीकिंग की बात करता है। ये तो दो ही चीजों पर जोर देता है, रीडिंग और राइटिंग पर, इसलिए ये इसकी वीकनेस है। आंसर क्या होगा, ये होगा। फिर है इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज इन द क्लास इज इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग या ट्राइबल लैंग्वेज। यहां पर आंसर आपको देना है कि इस मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, ज्यादातर कौन सी भाषा यूज की जाती है, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग या ट्राइबल लैंग्वेज, कोई जनजातीय भाषा। दोस्तों यहां पर आपको पता चल ही गया होगा आंसर का कि इस मेथड में मदर टंग का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा, इसलिए आंसर क्या होगा यहां पर, सी। अगला क्वेश्चन है इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुट्स अ ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन, किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, टीचर्स की मेमोरी पर, स्टूडेंट्स की मेमोरी पर, मदर टंग पर या पेरेंट्स की मेमोरी पर, किस पर जोर दिया जाता है, ये आपको बताना है। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुट्स अ ट्रेमेंडस स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त स्ट्रेन, जोर, जबरदस्त जोर दिया जाता है किस पर, टीचर्स की मेमोरी पर, मदर टंग पर, स्टूडेंट्स की मेमोरी पर या पेरेंट्स की मेमोरी पर, जल्दी बताइए दोस्तों किसकी मेमोरी पर जोर दिया जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। साफ और सही आंसर हमें नजर आ रहा है, स्टूडेंट्स की मेमोरी पर जो है स्ट्रेस दिया जाता है। आगे है कि द एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग इज एडवोकेट इन, कि ज्यादा से ज्यादा मदर टंग का प्रयोग किस मेथड में किया जाता है, डायरेक्ट मेथड में कि ओरल, और ओरल मेथड में कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कि स्ट्रक्चरल मेथड में। तो ये तो हम सब जानते ही हैं, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मदर टंग का ज्यादा प्रयोग जो होता है ना वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है दोस्तों। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अपने इसी मेथड से। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन है इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस। कि रीडिंग अभी थोड़ी देर पहले अपने बात कर ही रहे थे इसकी, LSRW की, कि इस मेथड में LL का अर्थ क्या होता है दोस्तों, L का अर्थ है यहां पर लिसनिंग, है ना, और S का अर्थ होता है यहां पर स्पीकिंग, और तीसरा है आर, आर का अर्थ है यहां पर रीडिंग, और डब्ल्यू का अर्थ होता है राइटिंग। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये मेथड सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ही जोर देता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर नहीं देता है। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन फिर है, इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, क्या रीडिंग और राइटिंग पर ही ज्यादा फोकस दिया जाता है, या फिर स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर ज्यादा फोकस दिया जाता है, या फिर स्पीकिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है, या फिर लिसनिंग पर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल ही गया कि रीडिंग और राइटिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, ए। 8वां क्वेश्चन है इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पेज लिटिल अटेंशन टू, थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है किस पर, ग्रामर पर, ट्रांसलेशन पर, मदर टंग पर या प्रोनंसिएशन पर। प्रोनंसिएशन दोस्तों होता है उच्चारण, और याद रखना ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। अगर आप इसको ऐसे बोलोगे ना, PRONOUNCIATION, तो ये प्रोनाउंसिएशन हो गया, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये प्रोनंसिएशन है, PRONUNCIATION। प्रोनंसिएशन का अर्थ होता है उच्चारण, जबकि प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं होता, प्रोनाउन सर्वनाम होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं, इसको प्रोनंसिएशन कहा जाता है। तो यहां पर 8वें क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचें आंसर। क्वेश्चन है कि इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पेज लिटिल अटेंशन टू, किस पर जोर दिया जाता है, थोड़ा कम जोर दिया जाता है, मतलब पे लिटिल अटेंशन, लिटिल का मतलब ना के बराबर,
तो ना के बराबर किस बात पर जोर दिया जाता है? ग्रामर पर तो जोर दिया जाता ही है, ट्रांसलेशन पर भी जोर दिया जाता है, मदर टंग पर भी, लेकिन प्रोनंसिएशन पर जो है ना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, उच्चारण पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर भी यही है कि लिटिल, लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर, लिटिल अटेंशन किया जाता है किस पर? प्रोनंसिएशन पर। इन तीनों चीजों पर तो ध्यान दिया जाता है लेकिन प्रोनंसिएशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मेजर वीकनेस ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मुख्य कमजोरी क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की? पहला ऑप्शन है कि इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स, जैसे जैसे एल एस आर डब्ल्यू, ये लैंग्वेज की स्किल्स हैं, एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज भी कहा जाता है लैंग्वेज, और ये स्किल है, ये मान लो लैंग्वेज के चार स्किल हैं एल एस आर डब्ल्यू। तो ये कह रहा है कि इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द फोर लैंग्वेज स्किल्स, ये चारों स्किल्स पर बराबर जो है जोर नहीं देता है। ये बात तो सही है, नहीं देता है। और दूसरा ऑप्शन है कि इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप टू द लर्न ओरल स्किल्स, ये लिसनिंग और जो है ना स्पीकिंग पर जोर देता है, और मतलब लिसनिंग स्पीकिंग पर जोर देता है क्या? ये देता है या नहीं देता, ये तो आपको, आपने ये मेथड पढ़ा है, आपको बताना होगा। द रिटन एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली नेग्लेक्टेड, और ये कह रहा है कि रिटन एस्पेक्ट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जाता है। अब किया जाता है या नहीं किया जाता वो तो आपने अभी मेथड पढ़ा है, मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। फिर है, द टीचर नीड नोट नेसेसरली, नेसेसरी नहीं होगा यहाँ पर, नेसेसरली ही होगा, नेसेसरली बी द मास्टर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। अब दोस्तों आपके पास ये चार ऑप्शन हैं, आपको इस प्रश्न को पढ़कर और बताना है कि सही आंसर क्या होगा, द मेजर वीकनेस ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों इसकी मेजर जो वीकनेस है ना, मेजर वीकनेस पूछ रहा है ना, तो ये चारों एस्पेक्ट पर जोर नहीं देता है, सिर्फ दो पर ही जोर देता है, रीडिंग और राइटिंग पर। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पहला। अगला क्वेश्चन है, द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, किस मेथड में टेक्स्ट बुक जो है ना इम्पोर्टेंट स्थान रखता है? तो दोस्तों ये तो जानना समझने की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो आप सबको पता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो है ना टेक्स्ट बुक जो है ना उसका इम्पोर्टेंट स्थान है। तो दोस्तों आप लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ चुके हो और इससे रिलेटेड जो पीछे परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी आपको किसी प्रश्न पर कोई डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपकी प्रत्येक समस्या का जो है समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि चाहे रीट परीक्षा हो, चाहे सेकंड ग्रेड इंग्लिश का जो है पेपर हो, सेकेंड ग्रेड की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो है मैं आपको एकदम निःशुल्क करवाऊंगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप समय पर क्लास अटेंड करें और लगातार अटेंड करें। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आज करवाया है इसका पीडीएफ जो है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूंगा, आप उसके माध्यम से चैनल को ज्वाइन करें। और जो वीकली टेस्ट होगा वो उसी टेलीग्राम चैनल पर ही होगा। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड को। अभी हमने इनडायरेक्ट मेथड को, मतलब सॉरी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कंप्लीट किया है इंग्लिश में। अगला जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड को हम अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।